हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है ना डॉट कॉम। माई नेम इज नीमा डोगरियाल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था व्हाट इज जर्नल्स एंड टाइप्स ऑफ जर्नल्स। उसी के बेस पे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, जर्नल की इलस्ट्रेशन। फर्स्ट क्या है हमारे पास, इलस्ट्रेशंस ऑफ जर्नल्स। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने जर्नल्स में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं हमारे बिजनेस से रिलेटेड, उनको क्या करते हैं, हम अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास ये ट्रांजेक्शन्स होगी कुछ इस वे में, क्या है, जैसे राजेश, ट्रांजेक्शन्स ऑफ राजेश फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो देन। मीन्स राजेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, उसने उसके बिजनेस में जो जो इवेंट हमारे साथ हुए हैं, जो बिजनेस में इवेंट हुआ है, उनको हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इवेंट कुछ इस तरह से होंगे 2011 में। अब हम क्या करेंगे, इसकी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है जर्नल्स, उसका फॉर्मेट। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारा जर्नल का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। तो चलो हम अब जर्नल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज 2011 अप्रैल 1st। राजेश स्टार्ट बिजनेस विद कैश। ये देखो हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, डेट पर्टिकुलर एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड हमारा अमाउंट, क्रेडिट साइड भी हमारा क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट में क्या करेंगे हम, राजेश ने क्या किया था, बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख का, तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट टू राजेश कैपिटल्स अकाउंट्स। कैसे होगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट, बिकॉज जो राजेश ने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के पास पैसा आया है, मीन्स बिजनेस ने पैसा रिसीव किया है, तो क्या होगा हमारा डेबिट। ये हमारा पर्सनल अकाउंट्स का फॉर्मूला है, टू राजेश कैपिटल अकाउंट्स। मीन्स जो राजेश है, जिसने कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में, उसके पास से पैसा गया है, मीन्स उसने पैसा दिया है, वो क्या है, गीवर है, तो वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। 1 लाख डेबिट अमाउंट, 1 लाख क्रेडिट अमाउंट। नेक्स्ट है हमारा, मीन्स जो हमारी नरेशन नीचे आपको दिख रही है ब्रैकेट्स में, इसको हम क्या बोलते हैं, नरेशंस। इस विदाउट नरेशंस के हम अपने जर्नल को कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर हमने अपने जर्नल में नरेशन नहीं डाली तो हमारा जो जर्नल है वो क्या माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। अब आते हैं हम इस अपनी जो नरेशन है उसमें हम क्या डिफाइन करेंगे, कि जो हमारी बिजनेस की डिटेल है, जो हमारी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल है, उसको हम क्या करेंगे, इसमें मेंशन करेंगे। जैसे क्या किया था, राजेश ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था, उसी के बेसिस पे नरेशंस बनाई हुई है। फर्स्ट इज बीइंग द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय राजेश इन द बिजनेस एज कैपिटल। जो अमाउंट है राजेश ने अमाउंट है बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है एज अ कैपिटल 1 लाख का। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पेड इन टू बैंक 70,000। इसकी क्या एंट्री होगी हमारे पास, जो राजेश है उसने क्या किया है, कैश अपने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो उसकी क्या एंट्री होगी, अप्रैल 2nd बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000। की उसकी हमारे पास एंट्रीज होगी। कैसे होगी, जो हमारा बैंक अकाउंट्स है वो हमारा डेबिट क्यों होगा, बिकॉज राजेश ने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया है, पेड किया है, तो वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, बिकॉज बैंक के पास आया है, बैंक ने रिसीव किया है, तो बैंक हमारा डेबिट होगा, और राजेश के पास से कैश गया है तो कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब इसकी हमारी नरेशन होगी, बीइंग द अमाउंट पेड इन टू बैंक्स, मीन्स जो राजेश ने किया है उसको हम नरेशन में डालेंगे, कि अमाउंट पेड किया है बैंक को, किसने, राजेश ने। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारी, बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000, मीन्स राजेश ने गुड्स परचेज किया है इससे बाहर से, परचेज अकाउंट्स हमारा डेबिट होगा, बिकॉज हमने बाहर से परचेज किया है,
तो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा, हमारे बिजनेस में आया है तो क्या होगा, डेबिट होगा 5000 का कैश डेबिट टू कैश अकाउंट्स। ये कैश अकाउंट्स क्रेडिट क्यों होगा, बिकॉज ये हमारे बिजनेस से गया है, हमारे बिजनेस ने दिया है, हमारा बिजनेस क्या होगा, गिवर, तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा टू कैश अकाउंट्स बीइंग द गुड्स परचेज फॉर कैश, ये हमारी क्या होगी, नरिशंस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक्स फॉर ऑफिस यूज, मीन्स जो राजेश है उसने क्या निकाला है, पैसा निकाला है बैंक से किसके लिए, ऑफिस की यूज के लिए, उसकी उसकी एंट्री हमारे पास क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट्स डेबिट टू बैंक अकाउंट्स क्यों होगी, बिकॉज कैश हमारे बिजनेस में आया है, हमारे बिजनेस ने रिसीव किया है, अगर आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो वो हमें मिलेगा ना, जहाँ किसने निकाला है, बिजनेस ने निकाला है, तो बिजनेस के पास क्या आया है, कैश आया है, और बैंक के पास से क्या गया है, कैश गया है, तो हमारा रिसीवर कौन है, कैश हमारा बिजनेस, और गिवर कौन है, बैंक, तो हमारा डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन होगी बीइंग द कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक्स 1000। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, इसकी क्या इलस्ट्रेशन होगी हमारे पास, जो गुड्स हमने कृष्णा को, सॉरी हमने क्या किया है, सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, हमने कृष्णा को क्या किया है, अपना गुड्स परचेज सॉरी सेल किया है, तो हमारी क्या एंट्री होगी, कृष्णा टू सेल्स अकाउंट्स, कृष्णा टू सेल्स अकाउंट्स, हमने कृष्णा को अपना गुड्स सेल किया है, तो कृष्णा के पास तो गुड्स आया है, ठीक है, कृष्णा के पास से गुड्स आया है और हमारे पास से क्या गया, गुड्स गया है, तो हमारा जो कृष्णा के पास कृष्णा ने रिसीव किया है उसकी क्या एंट्री होगी हमारे पास, डेबिट होगा 1500 रुपये का, और जो हमारे पास से गया है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसमें मैंने आपको बताया ये हमारी जो इलस्ट्रेशंस है, ये जो हमारी एंट्री है किस बेस पे होगी, पर्सनल अकाउंट्स रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स के बेसिस पे होगी, बीइंग द गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट्स, ये हमारी नरेशंस होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉट गुड्स फ्रॉम शाम से, मीन्स इसने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है, सॉरी हाँ परचेज किया है शाम से, तो इसकी हमारे पास क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट्स। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो ईमेल के थ्रू मिलती रहे तो आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लस आप हमसे Facebook और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्लस आप हमसे ब्लॉगर के जरिए भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।